दहगांव रंगारी स्थित किले कोलार घाट पर रक्षा विसर्जित करने गए तीन लोग पानी के बहाव में बह गए हैं। जानकारी के अनुसार नागपुर के रामेश्वरी परिसर की मृतक लहानुबाई सदाशिव सरवरे की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किले कोलार नदी के मोक्षधाम घाट पर आयोजित किया गया था। अस्थि विसर्जन का कार्य खत्म हो ही रहा था कि 20 वर्षीय शंतनु उर्फ नयन कैलाश येड़कर रामेश्वर निवासी कोलार नदी के गहरे भाग में नहाने के लिए गया। नदी पात्र का पानी हरे रंग का था, अंदर काई जमी हुई थी। शंतनु के नाक में पानी जाने से वो डूबने लगा। यह देखकर शंतनु के दोस्त हरचित राजू येदवान और आकाश राजेंद्र राउत उसे बचाने के लिए नदी में उतरे। शंतनु को बचाने का दोनों ने प्रयास किया, लेकिन दोनों को तैरना नहीं आता था और न ही उन्हें गहरे पानी का कोई अंदाजा था, इसलिए शंतनु के साथ दोनों भी डूब गए। इस घटना की जानकारी तुरंत खापरखेड़ा पुलिस को दी गई। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची, साथ ही फायर एंड रेस्क्यू टीम, SDRF टीम, RCP पतक घटना स्थल पर पहुंची और खोज अभियान शुरू किया। कल उनकी डेट हुई, आज इनकी जो राख है अभी कोरोना के वजह से, तो हम लोग बोले कि यहाँ इन्हें नजदीक पास में यहाँ आते करके, तो हम लोग कुछ 8 से 10 लोग इधर आए। कहाँ, कौन सी नदी है ये? कोल्हान नदी में, क्योंकि हम लोग इधर जाने वाले थे, तो हमें पता चला कि ये कौन सी, ये जो नदी है बीना बंद है, तो फिर हम इधर आए। तो हमारी जो प्रोसीजर रहती है, जैसी एक विधि विधान जो है हमने सब किए, हमने राख सिराने, तो इन लोग ने क्या किए, सबसे पहले शानू और ये हर्षित और शानू और ये, तो इन लोग पहले निकल गए, मैंने अगरबत्ती जला के, और उन लोग मतलब नहाने का, उन लोग ने जो खेलते ना उनको मिला एक बॉल, तो ये तीनों भी नहीं सॉरी यहाँ पे बहुत यहाँ पूरा स्पॉट ही था। तो सबसे पहले गया शानू, शानू के बाद में गया आकाश, और आकाश के बाद में गया हर्षित, और शानू जब डूब रहा था तो उसको बचाने के लिए गया आकाश, और आकाश को बचाने के चक्कर में मतलब ऐसे जो संकली बनाते हैं, तो बस ऐसी, तो सबसे पहले शानू डूब चुका था, फिर उसके पीछे में आकाश, और आकाश के देखते देखते हर्षित एडवान भी डूब चुका है। और हमने प्रयत्न 2 घंटे तक के किए, आप देख सकते हो यहाँ कोई भी जो अगर आग जो वाक्य है, हमने पूरी ताकत लगाए, हमने यहाँ से वहां तक हम खुद दौड़े पूरे घर वाले, लेकिन हमारे को 2 घंटे तक के पुलिस का या जो भी सपोर्ट नहीं मिला, मेरा गला बैठ गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने अगर नहीं किए तो आप हमारे पे बेशक कार्रवाई कर सकते हैं। 2 घंटे तक के हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हेल्प 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 करते रहे, लेकिन हमारे को कोई नहीं मिली। जितना हमने ये भी बोला, जितना पैसा लगता है ले लो हमारे से, कोई गोताखोर होगा यहाँ, तो सब बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर के बच्चे अंदर तक के गए, जिसको आता वो भी बोल रहे कि नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। 2 घंटे, सबसे पहले शानू गया शानू को बचाने के लिए, आकाश राजेंद्र राउत गया, उसके बाद में हर्षित एडवान गया। हम रोए गिड़गिड़ाए हम खुद यहाँ पर, अगर आपका कोई भी अगर ये हो तो आप उनसे हम पूछ सकते हो कि हमने कितनी हेल्प की, हम लोग ने इधर उधर, हमारे घर के जो बच्चे जैसे कपिल पाल है वो खुद ये करे, और बंडू सरवरे है वो खुद गए पानी के अंदर में, और हमें तो आता नहीं, फिर भी हम लोग जैसा बन पड़ा, हम खुद गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, हेल्प हेल्प, हम ये भी बोल रहे हैं लोगों से पैसे लगते हैं आप लीजिए, लेकिन उनको बचाइए, पैसे लीजिए आप उनको बचाइए, आप देखिए अगर किसी के पास में अगर वो वीडियो मिल गया तो आप मुझे गलत ठहरा देना। मैं मनीषा जाधव बस अब यही बोलूंगी और कुछ नहीं, मेरे भाई लोग हैं तो मुझे तो दर्द होगा, और ये गलत इंटरव्यू था, उनको जैसे दिए गए मैं मानती हूँ, उनको जो बोला गया उन्होंने वैसे ही बोला गया, मैं इन पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि घर वालों ने कोई प्रयत्न करे, ये सरासर झूठ है। जिसमें आकाश राउत की बॉडी मिली, अन्य 2 युवकों की तलाश अब भी जारी है। NBCN के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।